हेलो हाउ आर यू ऑल. सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एंड माय सेल्फ प्रोफेसर निमिष मेहता. आई विल बी टीचिंग यू स्टैटिस्टिक्स फॉर द होल ईयर एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैथ्स टू ऑल बिकॉज मैनी ऑफ यू हैज टेकन एसपी इन 11th 12th स्टैंडर्ड. सो it is very important to understand this subject and how to pass or how to score in this subject. This is very important. So now maths contains in FI Bcom sem 1 and as well as sem 2, it contains two part, maths and stats. Maths will be of percentage 40% and stats will be of 60%. Getting it? So important is statistics. Getting it? And only 40% of total weightage, 40% of total weightage is given to mathematics. And 60% of weightage of total marks is given to statistics. And statistics is comparatively easy with respect to maths. Maths bhi easy hai. कंडीशन ये है कि आपने 11th 12th में मैथ्स लिया है या नहीं किया. अगर आपने एसपी लिया है आपके लिए स्टेटिस्टिक्स ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स. सो आपको स्टेटिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. मैथ्स के ऊपर भी ध्यान तो देना ही है क्योंकि मैथ्स भी आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स आने वाला है, लेकिन आपको किस तरीके से कोप अप होता है वो आप देखो. लेकिन स्टेटिस्टिक्स पास होने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है स्टेटिस्टिक्स. Getting it? कितना परसेंट वेटेज है? 60% ऑफ वेटेज है दोनों सेम वन सेम टू. अभी गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं अपने को कि क्या आने वाला है, कैसा है, क्या है. कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुके हैं, देखते हैं कि सेम वन की एग्जाम कब देते हैं, सेम टू की एग्जाम कब देते हैं, या दोनों कंबाइन करते हैं क्या. आई डोंट नो, कुछ भी पता नहीं. लेकिन अभी अपने को पढ़ाई तो चालू करना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी अगर ये करती है, अनाउंस करती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स. फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला. ये आपको लिख ले, लिखना है. फॉर दिस चैप्टर सबसे पहले आता है मीन, डिनोटेड बाय एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. ओके, दूसरा फॉर्मूला summation of fx upon summation of f. This is for raw data, this is for grouped. Frequency के साथ जब आएगा तब ये, बिना frequency का आएगा तो ये formula use करना है, frequency के साथ आएगा तो ये formula use करना है. ठीक है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा, formula आप लिखते जाओ. Then कंबाइंड मीन एक्स सी बार, कंबाइंड मीन एक्स सी बार इज एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. रीड करता हूं मैं आपके लिए. एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. दिस इज यूज्ड व्हेन टू और मोर ग्रुप आर कंबाइंड. दो या दो से ज्यादा, अगर तीसरा ग्रुप आएगा तो इधर आएगा,
एन थ्री एक्स थ्री बार और नीचे आएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। तीन से ज्यादा अपने पास हो गए नहीं, अपने पास तीन ही ग्रुप हो गए। अभी अपने पास तो दो ग्रुप के क्वेश्चन है, तीन ग्रुप के क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर तीसरा ग्रुप का क्वेश्चन आया भी तो यहाँ पे आएगा एन थ्री एक्स थ्री बार और यहाँ पे आएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। दिस इज यूज व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर कंबाइंड टू अस। अपने को क्या कंबाइंड मीन निकालो, आप क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया रहेगा। ओके मीन हो गया, कंबाइंड मीन हो गया। नेक्स्ट इज मीडियन। आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट करके बोलो तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यू कैन गो टू चैट बॉक्स एंड यू कैन राइट योर कमेंट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन गो टू चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में जाओ और कमेंट डालो तो वो कमेंट में रीड करके आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन डिनोटेड बाय एम ई। पहले उसके लिए मीडियन डिनोटेड बाय एम ई पहले उसके लिए अरेंज करना है। अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़े तक, छोटे वैल्यू से चालू करके बड़े वैल्यू तक अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर, छोटा वैल्यू से स्टार्ट करके बड़े वैल्यू तक जाना, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर। फिर दो तरीके से होगा, अगर इफ देयर आर ऑड एंड इवन ऑब्जर्वेशन, ऑड एंड इवन ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फाइव, मतलब थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन, मीडियन विल बी एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ओबीएस बराबर है, थ्री फाइव सेवन, थ्री फाइव सेवन नाइन, ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे के रखे कि तीन ऑब्जर्वेशन है, पांच ऑब्जर्वेशन है, सात ऑब्जर्वेशन है, ग्यारह ऑब्जर्वेशन है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फॉर्मूला आएगा एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। अगर इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टू फोर सिक्स एट टेन एक्सेट्रा, देन मीडियन विल बी एवरेज ऑफ एन बाय टू एंड एन बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दो चार छ आठ दस ऐसे कुछ दिया, ऑड नंबर इवन नंबर भी काउंट करो, इवन नंबर ऑड नंबर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ये फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ये फॉर्मूला यूज करना। दिस इज फॉर रॉ डेटा, दिस इज फॉर रॉ डेटा। मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, इसके अंदर लिखो प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताऊंगा मैं जैसा आएगा तो, प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मीडियन कैन बी फाउंड आउट एट एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन एंड देन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन फाइंड एन बाय ऑब्जर्वेशन will be r median. Sir, किसी है ना? सर को बोलता है।
CI मतलब क्लास इंटरवल, मीडियन फॉर CI. L1 प्लस M by 2 माइनस CF अपॉन F into H. L1 प्लस L1 प्लस फिर ये अलग ही पूरा L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ये CI आएगा, क्लास इंटरवल आएगा तब मीडियन निकालने का. वेर L1 इज लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वन क्लास अबाव एफ फ्रीक्वेंसी एच एल टू माइनस एल वन. लिख लो ये पूरा. मैं अभी एक साथ पूरे चैप्टर के फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना. इतना सब पढ़ने का ऐसा कोई टेंशन नहीं है. आप एक साथ पूरे चैप्टर के फॉर्मूला अभी लिख रहे हो, इसके लिए थोड़े फॉर्मूला ज़्यादा लगेंगे. अपन वन बाय वन लेंगे जब भी सम, तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो डोंट वरी. एक काम करते हैं ना, पहला पूरा चैप्टर का एक साथ सब फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बाद में घड़ी घड़ी फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मोड और रो डेटा. मोड इज मैक्सिमम रिकरिंग, मैक्सिमम रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड एज मोड, जो ज्यादा बार आता है. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. अभी ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? 3 बार 3 आया. देखो, सो मोड इज इक्वल टू 3. सिंपल. जो नंबर ज्यादा बार अकर होता है, 2 2 बार अकर हुआ है, 3 3 बार अकर हुआ है, 4 2 बार अकर हुआ है, मैक्सिमम टाइम कौन सा अकर हुआ है? 3. मोड आ गया 3. नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम टाइम जो रिकरेंट होता है नंबर, उसको मोड बोलते हैं. फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मोड इज रिलेटेड बाय एम ओ. एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H. ओके, वेयर L1 लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी, F1 या F0 से चालू करता हूँ, 0 1 2. F0 फ्रीक्वेंसी अबाव मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी बिलो मॉडल क्लास एच एल टू माइनस एल वन. Done. Okay.
पेज नंबर 11 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मी फाइंड अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स बार फाइंड करना है ये देखे रखा आपको मीन फाइंड करने बोला है तो भी कैल्सी जी है कैल्सी चाहिए आप लोगों के पास ये जो भी नंबर है वो एक्स के नंबर है वी कैन ड्रॉ दिस टेबल 13.1 15.2 11.9 10.2 12.5 14.3 11.2 10.8 इसका टोटल जी है इसका टोटल मारना पड़ेगा सो वी एड देम 1 2 3 3 प्लस 9 12 13 14 14 प्लस 9 19 22 22 24 24 32 कैरी हो गया 3 3 3 6 6 5 11 12 13 14 14 18 19 कैरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99.2 नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन समेशन एक्स मतलब टोटल ऑफ एक्स 99.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 8 1 जा 8 19 8 2 जा 16 32 8 4 जा 32 कैल्सी से सॉल्व करना है ये सब आपको कैल्सी से करना है ये सब आपको कैल्सी से सॉल्व करना है बस हो गया सिंपल 3 मार्क के लिए आएगा दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स पेंडिंग क्या क्या बनना है फिर से बता दो आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था वो सबको आपने ऐड कर दिया जो भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था वो सबको आपने ऐड कर दिया उसका टोटल आया 99.2 ये टोटल यहाँ पे लिख दिया 99.2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपने जो भी क्वेश्चन में दिए थे नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और ये डिवाइड कर दिया आंसर है वो लिख दिया हो गया खत्म Getting it? चलो ये वाला ट्राई करो आप लोग 53, 31, 35, -25, 100, 60, -16, 13, -3, and 95. So again, we have to add this all. चलो अब ये टोटल मारो जहां पे माइनस लिखा उधर माइनस करना है या जहां पे माइनस लिखा उसको माइनस करो बाकी सबको ऐड करो तो क्या टोटल आता है बताओ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस डिवाइड बाय 10 जहां पे माइनस लिखा है वो माइनस करना है जो प्लस है वो प्लस करना है
352 टोटल आ रहा है। हाँ चेक कर लो, कैल्सियम आपको चेक करना है, जहां पे माइनस लिखे उसको माइनस करो, जहां बाकी सबको ऐड करो इसको माइनस करो, मतलब ये सबको ऐड कर दिया फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, टोटल आता है 352। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाई 10, सो आंसर विल बी 35.2। कैल्सी लेके बैठो, कैल्सी लेके बैठो, कैल्सी से सॉल्व हो जाएगा फटाफट। ओके क्वेश्चन नंबर टू, अब ये ग्रुप डेटा आ गया, कैलकुलेट मीन, मीन मतलब फाइंड करना है एक्स बार, एक्स दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है, अभी फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F का वैल्यू देख रखा है 5, 10, 15, 12, 8, 3, 12, 8, 3 यहाँ पे लिख दो टोटल। अच्छा मीन निकालना है, अभी सबसे पहले आप इसका टोटल मारो, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का टोटल मारो पहले, 5 प्लस 10 15 15 30 30 एंड 20 50 53 चेक कर लो क्या किया अपन ने, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मार दिया, 5 प्लस 10 15 15 30 30 प्लस 8 20 20 एंड 3 33 हो गया 53। अभी समझना ध्यान से, ये दोनों वैल्यूज को, ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, 12 into 5, 12 into 5 will be 16, 14 into 10 will be 140, 16 into 15, 340, will be 340, 18 into 12, 216, 18 into 12, 216, 20 into 8, 160 and 22 into 3, 66। फिर से बोलता हूँ क्या किया, तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 12 into 5, 60, 14 into 10, 140, 16 into 15, 340, 18 into 12, 216, 20 into 8, 160 and 22 into 3 आएगा, 66। अभी ये सबका टोटल चाहिए, ये सबका टोटल सुन रहा हूँ क्या, 15 into 15, 16 into 15 कितना है 240 सबका टोटल चाहिए, सबका टोटल मारो, फॉर्मूला चेंज हो गया, देखो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला नहीं था, ये रॉ डेटा, दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ तो ये वाला फॉर्मूला लगा है 82 कितना 882 882 882 टोटल यहाँ पे आएगा 882 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल है 53 डिवाइड करो कितना आता है, दिस विल बी योर आंसर 16.64 दिस विल बी योर आंसर है इजी, पर ज्यादा चांस है यही आने का। हाँ और एक क्लासमार्क वाला भी समाधान है, देखते हैं वो और एक समय सेम मेथड
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. चलो ध्यान से सुनना सेम पैटर्न है ये एक्स दिया ये एफ दिया पहले एफ का टोटल मारो 26 26 6 20 46 46 52 62 62 62 74 76 76 and 485 चेक करो So this is our total is 87. Multiply 11 into 5, 55. 16 into 15, 90. 20 into 7, 140. 8 into 16, 128. 9 into 12, 108. 9 into 10, 90. 11 into 4, 44. Multiply kiya. 11 into 5, 55. 6 into 15, 90. 7 into 20, 140. 8 into 16, 128. 9 into 12, 108. 10 into 9, 90. 11 into 4, 44. Ab iska total. 55 plus 90 plus 140 plus 128 plus 108 plus 90 plus 44. This will be 655. So x bar is equal to summation fx upon summation f 655 upon 87. X bar is equal to 87 se divide karoge 7.52. This will be your check. क्या डाउट है देखो अपने को प्रैक्टिस मेथड का समझ में आना चाहिए. वी शुड नो द मेथड. जब आपको फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल मारना है. फ्रीक्वेंसी का टोटल मार के ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इसका टोटल आ जाएगा. तो ये टोटल और ये टोटल को डिवाइड करोगे आपको एक्स बार मिल जाएगा. गेटिंग इट. सेम मेथड से अपन ने ये सम भी किया एक्स और एफ दिया हुआ था तो आपने क्या किया पहले एफ का टोटल मार दिया. एफ का टोटल मारने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 11 इंटू 5, 15 इंटू 6, 7 इंटू 20, 8 इंटू 16, 9 इंटू 12, 10 इंटू 9 एंड 11 इंटू 4. इसका टोटल 87. ये नंबर आया उसका टोटल मारा 655. फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो एक आंसर मिलेगा. आगे बढ़ते हैं और एक सम कर लेते हैं देन विल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 4 एक यही टाइप का सम है लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज डाली है. एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट एक्स बार ओनली डेली वेजेस इन रुपीस. ये रुपीस का सिंबल है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स ये अपना है फ्रीक्वेंसी
20 to 40 ये क्लास इंटरवल आ गया देखो 40 to 60 60 to 80 80 to 100 100 to 120 120 to 140 7 12 16 13 39 4 अभी अपने पास x नहीं है यहाँ पे जैसे देखो हमने को x दिया था सीधा सीधा फिर अपन ने क्या किया था f और x मल्टीप्लाई कर दिया था सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले टाइप में जब आपको क्लास इंटरवल्स टाइप दिया रहेगा क्वेश्चन आपको सबसे पहले x निकालना पड़ेगा दैट यू कैन से मिड वैल्यू x अभी आपको मल्टीप्लाई करना है f इंटू x f into x मल्टीप्लाई करना है ओके अभी ध्यान से समझना x कैसे निकालेंगे ये दोनों को ऐड करना है ये दोनों को ऐड करना है कितना हुआ 20 प्लस 40 ऐड करके आया 60 उसको डिवाइड बाय 2 करो कितना हुआ 30 यहां पे लिख दो 30 फिर ये दोनों नंबर ऐड करो 40 प्लस 60 आया 100 डिवाइड बाय 2 करो आंसर आएगा 50 फिर 60 प्लस 80 140 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 70 80 प्लस 100 180 डिवाइड बाय 2 करोगे आंसर आएगा 90 100 प्लस 120 220 डिवाइड बाय 2 करोगे आंसर आएगा 110 एंड 140 प्लस 120 260 डिवाइड बाय करोगे 2 तो आ जाएगा 130 इसका टोटल नहीं चाहिए इसका टोटल नहीं चाहिए आ गया x कैसे निकाला तो ये दोनों को ऐड करने का डिवाइड बाय 2 करने का ऐड दिस टू नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2 ऐड दिस टू नंबर एंड डिवाइड बाय 2 ऐड दिस टू नंबर एंड डिवाइड बाय 2 यू विल गेट दिस कॉलम मिड वैल्यू गेटिंग इट इजी नाउ बाकी का तो आपको आता है मल्टीप्लाई 7 into 13 12 into 15 16 into 70 16 into 70 1120 13 into 90 13 into 90 1170 13 into 110 1430 and 4 into 130 520 plus 1430 plus 1170 210 plus 600 plus 1120 plus 1170 plus 1430 plus 520 ओके टोटल आ गया अभी इसका टोटल ले लेते हैं 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 4 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 4 64 सो योर नेक्स्ट बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इसका टोटल आया 5050 डिवाइडेड बाय 65 विल गिव यू 77.69 दिस इज इम्पोर्टेंट यही टाइप के सम आएंगे एग्जाम में यही टाइप के सम आएंगे एग्जाम में जिसमें क्लास इंटरवल आएगा ओके सो टुडे विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 और यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एज होमवर्क इफ यू वांट टू ट्राई दिस विल बी ऑफ दिस सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सॉल्व एज एन होमवर्क एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ओके चलो बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे